इतिहाद के इन मुद्दों पर लगातार अनदेखी करने वाली कांग्रेस में भी अब दो फाड़ हो गए हैं। जी हां, कई ऐसे नेता हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कांग्रेस की रीत रही कि इन मुद्दों पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां से की। लेकिन इन सब के बावजूद इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश से हुई है, जहां खुद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह इसके खिलाफ बोलने लगे हैं। उनको लगता है कि कानून बनने की जरूरत है, और लक्ष्मण सिंह के साथ साथ कई और ऐसे कांग्रेस के विधायक हैं जिनका इशारा कानून बनने की तरफ है। मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की शादी का तो लफ्ज याद है। अब मोदी जी के मंत्रिमंडल में मुख्तार अब्बास नकवी साहब है, उनकी पत्नी हिंदू है, उन्होंने भी लव जिहाद किया है क्या? शाह नवाज खान उनके सीनियर लीडर है, उनकी पत्नी भी हिंदू है, उन्होंने भी किया है क्या? ये तुष्टिकरण की राजनीति का फेर है, या फिर पार्टी के स्टैंड पर अटके रहने की मजबूरी, जिसके कारण कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह लव जिहाद की बात उठते ही सबकी मंजूरी से प्रेम विवाह के मामले गिनाने लगते हैं। नाम बदलकर धोखे से प्यार के जाल में फंसना और फिर शादी के बाद जबरिया धर्म परिवर्तन करवाने की शातिर चालबाजी को बीजेपी विरोध में वो हमेशा खारिज करते रहे हैं। लव जिहाद की पीड़िताओं की आवाज भी उनके पत्थर दिल को नहीं पिघला पाती है। एफिडेविट में भी अपने आप को अनमैरिड शो कर रखा है, कभी इन्होंने सही नाम नहीं बताया, बाद में पता चला कि ये मोमडन थे, तो फिर ब्लैकमेल करने लगते हैं ये मुझे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अगले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया। दिग्विजय पुराना सुर लगाते नजर आए और आदत के मुताबिक कांग्रेस भी इसका विरोध करती नजर आई। लव जिहाद की खिलाफत करने वाली कांग्रेस में एक आवाज अंदरखाने से उठ खड़ी हुई है, और ये आवाज किसी और की नहीं, दिग्गी राजा के छोटे भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह की है। लव जिहाद के खिलाफ कानून का समर्थन करते हुए लक्ष्मण सिंह सामने आए और ट्वीट कर कहा कि बलपूर्वक विवाह करना, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के विरुद्ध प्रदेश में कानून बन रहा है, जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें डरने की क्या आवश्यकता है। मध्य प्रदेश के ही एक और कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी की बात भी सुन लीजिए, आप समझ जाएंगे कि वो लव जिहाद के कानून के खिलाफ हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं। जो भी कानून आएंगे वो विधानसभा सत्र में आते हैं, मुझे लगता है मुंह से बोल के लाना और ये चीजें लाना, जो भी स्पष्ट है महिला सुरक्षा के लिए कोई भी कानून हो उसमें हम लोग साथ हैं। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।